मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का यूज कहाँ पे कैसे करते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग एक नया रूल सीखने वाले हैं जिसका नाम होता है CIP रूल। अब CIP रूल क्या है, इसी को हम लोग कैन इनगोल्ड प्रेलॉग सीक्वेंस रूल के नाम से जानते हैं, उसी को शॉर्ट में CIP रूल कहते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए कैन इनगोल्ड प्रेलॉग सीक्वेंस रूल, ये भी आपको आइसोमेरिज्म में यूज होगा। जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर प्रायोरिटी डिसाइड करने में हम लोग यूज करते हैं। ये कैन इनगोल्ड प्रेलॉग जो है ये तीन साइंटिस्ट है और यही तीनों साइंटिस्ट मिलकर करके एक सीक्वेंस रूल दिए, इसीलिए इसका नाम कैन इनगोल्ड प्रेलॉग सीक्वेंस रूल के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, CIP रूल। कैन का पूरा नाम जो है डॉक्टर अल्विन रॉबर्ट कैन, ठीक है, और इनगोल्ड तो इनका पूरा नाम क्रिस इनगोल्ड है और प्रेलॉग का पूरा नाम जो है व्लादिमीर प्रेलॉग है। ये 1966 में ये रूल दिए थे, इसीलिए उस रूल को हम लोग शॉर्ट में CIP रूल के नाम से जानते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब ये रूल क्या बताता है, कहता है कि कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम एक्सेट्रा, कह रहा है कि कौन सा एटम को हम लोग फर्स्ट एटम कहेंगे, किसको सेकेंड एटम कहेंगे, किसको थर्ड एटम कहेंगे, ये बताता है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, ये CH3 है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा एटम फर्स्ट एटम होगा, कौन सा एटम सेकेंड एटम होगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपैंड कर दीजिए यानी कि ग्राफिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आप इसको लिख दीजिए। तो ये कार्बन है और इसके साथ तीन हाइड्रोजन है और वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो 1, 2 और 3 इस तरह से एक्सपैंड करके लिख दिए। अब जहां से बॉन्ड फ्री होगा उस कार्बन को 1 कहेंगे, तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि 1 के बगल वाला जो एटम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड, यानी कि फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको सेकेंड एटम कहेंगे। तो ये हाइड्रोजन को अब हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड एटम, इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, सेकेंड एटम, इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, सेकेंड एटम। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें आपसे पूछा जाए, ये आपका दिया हुआ रहेगा इस तरह से और आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए कौन सा फर्स्ट एटम है, कौन सेकेंड एटम है, तब आपको क्या करना है, इसको एक्सपैंड करके आप लिख दीजिए। अब जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन से एक कार्बन है और इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन है, वो भी सिंगल बॉन्ड से होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिए, एक हाइड्रोजन नीचे दे दिए और एक हाइड्रोजन इधर दे दिए। अभी आपको क्या बताए थे, जहां से बॉन्ड फ्री होता है उसको हम लोग फर्स्ट एटम कहेंगे। तो बॉन्ड कहां से फ्री है, ऑक्सीजन से फ्री है, तो ऑक्सीजन को हम लोग फर्स्ट एटम कहेंगे और फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, यानी कि डायरेक्टली बॉन्डेड कौन है, कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन को सेकेंड एटम कहेंगे और सेकेंड एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको थर्ड एटम कहेंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन थर्ड एटम हो गया, ये हाइड्रोजन थर्ड एटम हो गया, ये हाइड्रोजन थर्ड एटम हो गया। यानी कि अगर ये आपको दिया हुआ रहता OCH3 और आपसे पूछा जाता कि इसमें बताइए फर्स्ट एटम कौन सा है, तो ऑक्सीजन, सेकेंड एटम कौन सा है, तो कार्बन, थर्ड एटम कौन सा है, तो आपको बोलना पड़ेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH2 है, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट एटम क्या है, सेकेंड एटम क्या है, थर्ड एटम क्या है, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे। अब इसको जब एक्सपैंड कीजिएगा तो नाइट्रोजन आपका सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है और इसके साथ दो हाइड्रोजन है और वो भी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, तो यहाँ पर है सो एक हाइड्रोजन इधर दे दिए और एक हाइड्रोजन इधर दे दिए। अब आप लोग बताइए किसमें फर्स्ट एटम कौन सा होगा, तो देखिए बॉन्ड कहां से फ्री है, तो नाइट्रोजन से बॉन्ड फ्री है, तो इसको हम लोग फर्स्ट एटम कहेंगे और फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, जैसे ये हाइड्रोजन, तो इसको सेकेंड एटम कहेंगे और इसको भी सेकेंड एटम कहेंगे। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे NaCH3 दिया हुआ है, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट एटम कौन सा होगा, सेकेंड एटम कौन सा होगा, तो आप इसको भी एक्सपैंड करके लिखिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से है, इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब वो भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा,
फिर इस नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है तो कार्बन दे दिए, और इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो एक ऊपर दे दिए, एक नीचे दे दिए और एक इधर दे दिए। अब आप इस तरह से जब एक्सपैंड कर देंगे, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम कौन सा होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको एक्सपैंड करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट एटम कौन सा होगा, तो नाइट्रोजन। सेकेंड एटम कौन सा होगा, तो नाइट्रोज, मतलब फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, तो डायरेक्टली बॉन्डेड ये हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग सेकेंड एटम कहेंगे। नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड ये कार्बन है तो इसको भी हम लोग सेकेंड एटम कहेंगे। और थर्ड एटम कौन सा होगा, तो जो सेकेंड एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा यानी कि इस हाइड्रोजन को थर्ड एटम कहेंगे, इसको भी थर्ड एटम कहेंगे और इसको भी थर्ड एटम कहेंगे। जैसे आपका OH दिया हुआ है, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा फर्स्ट एटम है, कौन सा सेकेंड एटम है, तो आप इसको एक्सपैंड करके लिखिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फ्री है तो ऑक्सीजन आपका फर्स्ट एटम हो गया, और ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है हाइड्रोजन तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड एटम बोलेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, CH2Br है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट एटम कौन सा होगा, सेकेंड एटम कौन सा होगा, तो अब आप देख करके बता सकते हैं। फर्स्ट एटम क्या होगा, कार्बन होगा। सेकेंड एटम क्या होगा, ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अभी आप सीख रहे हैं तो आपको कॉपी में एक्सपैंड करके ही लिखना है। अब यहाँ पे ये कार्बन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है तो एक ऊपर दे दिए, एक नीचे दे दिए, और एक ब्रोमीन है तो यहाँ पे दे दिए। कार्बन से बॉन्ड फ्री है तो कार्बन को हम लोग फर्स्ट एटम कहेंगे, और फर्स्ट एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो इसको सेकेंड एटम, इसको भी सेकेंड एटम, और ब्रोमीन भी आपका है सो सेकेंड एटम कहलाएगा। और एग्जांपल देखिए, अब जैसे इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट एटम कौन सा, सेकेंड एटम कौन सा, थर्ड एटम कौन सा, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन पहले लिख दिए, फिर दो हाइड्रोजन है तो एक ऊपर दे दिए, एक नीचे दे दिए, फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन है तो एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से दे दिए, और इस कार्बन के साथ तीन क्लोरीन है सो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो एक ऊपर दिए, एक नीचे दिए और एक इधर दे दिए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा फर्स्ट एटम है, कौन सा सेकेंड एटम है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको क्या बताया गया कि जहां से बॉन्ड फ्री होता है उसको हम लोग फर्स्ट एटम कहते हैं, और फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको सेकेंड एटम कहेंगे। तो ये हाइड्रोजन सेकेंड एटम, ये हाइड्रोजन सेकेंड एटम, ये कार्बन सेकेंड एटम, और सेकेंड एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड एटम, यानी कि ये क्लोरीन थर्ड एटम, ये भी क्लोरीन थर्ड एटम, ये भी क्लोरीन थर्ड एटम कहलाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा फर्स्ट एटम है, कौन सा सेकेंड एटम है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन दे दिए, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो इसको ऊपर दे दिए। अब यहाँ पे देखिए CH3H2 है, यानी कि अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे, ये सब आपको पढ़ा हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसी कार्बन के साथ आपका फिर एक CH3 है और इसी कार्बन के साथ एक दूसरा CH3 है, तो इसी कार्बन के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक कार्बन देंगे और इसके साथ तीन हाइड्रोजन देंगे। ठीक उसी तरह से इस कार्बन के साथ एक और कार्बन है और इसके साथ फिर हम लोग क्या करेंगे, तीन हाइड्रोजन दे देंगे। अब नंबरिंग आपसे पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट एटम कौन सा, सेकेंड एटम कौन सा, थर्ड एटम कौन सा, तो जहां से बॉन्ड फ्री होता है उसको हम लोग फर्स्ट एटम कहेंगे। तो यहां पर ये फर्स्ट एटम हो गया, फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है जैसे ये हाइड्रोजन तो ये सेकेंड एटम हो गया, ये कार्बन सेकेंड एटम हो गया, ये कार्बन सेकेंड एटम हो गया। सेकेंड एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको थर्ड एटम कहेंगे, तो ये थर्ड एटम हो गया, ये थर्ड एटम हो गया, ये थर्ड एटम हो गया, ये भी हाइड्रोजन थर्ड एटम होगा, ये भी हाइड्रोजन थर्ड एटम होगा और ये भी हाइड्रोजन थर्ड एटम होगा। तो इसमें कुछ है नहीं, तो बोलिएगा बस इतना ही के लिए तीन साइंटिस्ट मिलकर के काम किए, आगे और अच्छा चीज बताएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको ये बताया गया कि कैन इनगोल्ड प्रेलोग सीक्वेंस रूल में क्या क्या डिसाइड होता है, तो फर्स्ट एटम कौन सा होगा, सेकेंड एटम कौन सा होगा, थर्ड एटम कौन सा होगा, ये डिसाइड करते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
दिक्कत होता है स्टूडेंट को कि जहां पे डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है ना कि आप देखिएगा और वहां पे तुरंत फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड कर लीजिएगा। तो देखिए ए में क्या कह रहा है कि इफ ए ग्रुप हैज पाई बॉन्ड्स बिटवीन इट्स टू कंजुगेटिव एटम, कह रहा है कि अगर दो एटम के बीच में, दो लगातार एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड है, तब आप फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम कैसे निकालेंगे। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, ए बी और बी के, ए बी के बीच में यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी कि पाई बॉन्ड आ गया। तब इसका मतलब क्या होता है, कहता है कि देन इट इज प्रेज्यूम्ड दैट टू एटम्स ऑफ ए आर बॉन्डेड विथ बी एंड टू एटम्स ऑफ बी आर बॉन्डेड विथ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है, ध्यान से समझिएगा, ए जो है दो एटम बी से बॉन्डेड है और बी भी है सो दो एटम ए से बॉन्डेड है। हम फिर से रिपीट कह रहे हैं, अगर आपका ए बी के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, आपको मान लेना है, क्या मानना है कि ए दो एटम बी से बॉन्डेड है और बी भी है सो दो एटम ए से बॉन्डेड है। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब यहां पर ए बी है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फर्स्ट एटम है कौन सा सेकेंड एटम है। तो अभी इसके पहले क्या किए थे कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, उसी तरह से डबल बॉन्ड भी है तो आप उसको एक्सपेंड करके लिखिए। अब एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा जो बॉन्ड है ना पहले उसको आप लिख दीजिए। तो यहां पे मान लेते हैं कि ए बी के बीच में, अब देखिए यहां पे क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो आप क्या किए कि ए बी के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड दे दिए। अब क्या कह रहा है कि आपको ऐसा मान लेना कि ए जो है दो एटम बी से बॉन्डेड है, तो ए दो एटम बी से बॉन्डेड है, तो एक एटम तो बी और हो गया और यहां पर भी एक एटम बी हो गया। फिर क्या कहता है, बी भी है सो दो एटम ए से बॉन्डेड है। अब इस बी को लीजिए, इस बी को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल वाला बी ये है, सामने सामने है तो ओरिजिनल वाला बी ये है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये भी बी है सो दो एटम ए से बॉन्डेड होगा। तो देखिए एक एटम ए से तो बॉन्डेड हो गया, एक एटम और बी से बॉन्डेड कर दिए। अब इसके बाद डिसाइड करेंगे फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम, तो यहां पर ए है सो फर्स्ट एटम हो गया क्योंकि बॉन्ड फ्री है, और ए से डायरेक्टली बॉन्डेड बी है तो इसको सेकेंड एटम कहेंगे, इसको सेकेंड एटम कहेंगे और इस ए को थर्ड एटम कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा, इसका मतलब आपको यह समझना है कि ए जो है तीन एटम बी के साथ बॉन्डेड है और बी भी है सो तीन एटम ए के साथ बॉन्डेड है। अब इसको एक्सपेंड करके जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज करके यहां पर देखिए ए लिख दिए, अब कह रहा है तीन एटम बी के साथ बॉन्डेड है, तो मान लेते हैं एक एटम, ये दो एटम और ये तीन एटम बी के साथ बॉन्डेड हो गया। ओरिजिनल वाला बी ये है, आप इसके साथ भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये बी भी क्या बता रहा है कि ये भी बी कह रहा है कि तीन एटम ए के साथ बॉन्डेड है, तो देखिए ये बी जो है एक एटम ए के साथ तो बॉन्डेड है, इसका मतलब दो एटम और इसको चाहिए ए, तो एक है सो ऊपर लिख दिए, एक इधर लिख दिए। अब आपसे बोला जाए कि फर्स्ट एटम सेकेंड एटम डिसाइड कीजिए, तो यहां पे बॉन्ड फ्री है तो इस ए को फर्स्ट एटम कहेंगे और फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है जैसे ये बी, तो ये सेकेंड एटम, ये बी सेकेंड एटम, ये बी सेकेंड एटम, और सेकेंड एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड यानी कि ये ए थर्ड एटम, ये थर्ड एटम कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहां पर ये मॉलिक्यूल आपको दे दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि अच्छा इसमें बताइए कि फर्स्ट एटम क्या होगा सेकेंड एटम क्या होगा। तो अभी तो आप सीखे नहीं है, लेकिन जब एग्जाम्पल बहुत सारा यहां पे दे देंगे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो इतना फिर एक्सपैंड करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट आप देखिए और बता दीजिएगा कि इसमें फर्स्ट एटम कौन सा होगा और सेकेंड एटम कौन सा होगा। अभी सीखना है तो इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड से तो इसको लिख दिए सिंगल बॉन्ड से, फिर यहां पर देखिए ये कार्बन है तो इसको भी हम पहले सिग्मा स्केल्टन को आप लिख दीजिए, यानी कि सिग्मा बॉन्ड को लिख दीजिए। अब देखिए अब इसका मीनिंग को समझिए कि ये कार्बन तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो यहां पर एक कार्बन तो हो गया, अब दूसरा कार्बन ऊपर दे दिए, तीसरा कार्बन नीचे दे दिए,
फिर ये भी कार्बन का मीनिंग क्या निकल रहा है कि ये भी कार्बन तीन अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होना चाहिए, तो यहां पर तो एक कार्बन हो गया, एक ऊपर दे दिए एक नीचे दे दिए, और यहां पर ये कार्बन एक हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड था तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड कर दिए। अब फर्स्ट एटम आपसे पूछा जाए तो यहां पर जहां से बॉन्ड फ्री है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एटम। फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है उसको सेकेंड एटम, तो ये आपका सेकेंड एटम हो गया, ये सेकेंड एटम हो गया और ये सेकेंड एटम हो गया, और सेकेंड एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको थर्ड एटम, तो ये कार्बन थर्ड एटम, ये कार्बन थर्ड एटम, ये हाइड्रोजन थर्ड एटम कहलाएगा। और एग्जांपल में आप देखिए, जैसे आपको ये कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए इसमें फर्स्ट एटम कौन सा है, सेकेंड एटम कौन सा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले ये कार्बन सिंगल बॉन्ड लिख दिया और इस कार्बन के साथ देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो पहले हाइड्रोजन को लिख दिए। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन दो अदर कार्बन से बॉन्डेड है, तो एक कार्बन नीचे दे दिया और एक कार्बन इधर दे दिया। देख लीजिए ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मीनिंग ये निकला कि ये कार्बन दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो ये कार्बन दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से था, उसको जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहां पर देखिए फिर क्या है, ये भी तो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन भी दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, तो एक कार्बन से तो बॉन्डेड है, एक और कार्बन से हम लोग बॉन्डेड कर दिए। और फिर क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो एक है सो ऊपर दे दिए एक इधर दे दिए। अब इस तरह से जब आप एक्सपैंड कर देंगे तो गलती होने का चांसेस खत्म हो गया। अब जहां से बॉन्ड फ्री है उसको फर्स्ट नंबर कहेंगे, फर्स्ट नंबर से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है उसको सेकेंड नंबर, यानी कि ये हाइड्रोजन सेकेंड नंबर, ये कार्बन सेकेंड नंबर, ये कार्बन सेकेंड नंबर। फिर सेकेंड नंबर से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है यानी कि ये हाइड्रोजन थर्ड नंबर, ये कार्बन थर्ड नंबर और ये हाइड्रोजन है सो थर्ड नंबर होगा। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल का कमी नहीं है। जैसे अब यहां पे आपसे पूछा गया ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, जिनको अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से लिख लीजिए। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें फर्स्ट एटम कौन सा है, सेकेंड एटम कौन सा है, थर्ड एटम कौन सा है। फर्स्ट एटम में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, दिख रहा है कि कार्बन होगा, सेकेंड एटम में क्या क्या होगा तो अभी आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम एक्सपैंड करेंगे, तो दिस इंप्लाइज करके अब सिग्मा जो बॉन्ड है पहले उसको लिख दीजिए। तो यहां पे ये कार्बन हो गया, इस कार्बन के साथ फिर क्या है एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया, और इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया। अब इसका मतलब को समझिए, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। तो एक ऑक्सीजन तो हम पहले लिख चुके हैं, अब दूसरा ऑक्सीजन जब लिखेंगे तो कहां लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे। ठीक उसी तरह से ये ऑक्सीजन क्या कह रहा है कि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन से बॉन्डेड है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। तो एक कार्बन के साथ तो पहले से बॉन्डेड है, एक कार्बन और दे दिए। अब स्ट्रक्चर आप एक्सपैंड करके लिख चुके हैं, जहां से बॉन्ड फ्री है उसको फर्स्ट कार्बन क्रम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको सेकेंड एटम कहेंगे, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे सेकेंड एटम हो गया, ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम हो गया, ये हाइड्रोजन सेकेंड एटम हो गया, और सेकेंड एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको थर्ड एटम कहेंगे, तो ये कार्बन है सो आपका थर्ड एटम हो गया। बोलिए, और इतना सारा एग्जाम्पल के बाद भी अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो अभी और एग्जाम्पल देंगे। चलिए और एग्जाम्पल देखिए। अब यहां पर इसमें आपसे पूछ दिया गया कि इसमें बताइए फर्स्ट एटम कौन सा होगा, सेकेंड एटम कौन सा होगा, थर्ड एटम कौन सा होगा। पहले आपको क्या बोले, एक्सपैंड कीजिए, सिग्मा स्केलेटन को लिखिए। तो यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब देखिए इसको हम लोग कैसे एक्सपैंड करेंगे, इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे कि जैसे यहाँ पे कार्बन है तो इस कार्बन को सिंगल बॉन्ड दे दिए, फिर यहाँ पर देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन से तो कोई मतलब नहीं है, जैसे था वैसे लिख दिए, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो
ये कार्बन क्या कह रहा है कि ये कार्बन कह रहा है कि दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। तो यहां पे ऐसा इसको काउंटिंग मत कर लीजिएगा कि नहीं सर यहां तो दो, ये कार्बन कह रहा है कि दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होंगे तो यहां पर तो दो ऑक्सीजन हो गया, नहीं गलत हो गया, ये तो आपका सिंगल बॉन्ड से उसका वाला ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, इसका मतलब एक तो ये हो गया और एक और देना पड़ेगा यहां पर, अब जाकर के यह सही हुआ। फिर देखिए ये ऑक्सीजन अब क्या कह रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड है तो ये ऑक्सीजन भी बोलेगा कि दो अदर कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। तो देखिए तो ये ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ तो बॉन्डेड है, एक कार्बन के साथ और बॉन्डेड होगा। फिर उसके बाद देखिए ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और ये कार्बन तीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो एक ऊपर दे दिए, एक नीचे दे दिए और एक इधर दे दिए। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो इस तरह से एक्सपेंड होगा। अब फिर क्या हो गया, फर्स्ट एटम कार्बन हो गया, सेकेंड एटम तो जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा फर्स्ट एटम से, यानी कि ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम, ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम, ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम, सेकेंड एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा थर्ड एटम, तो यानी कि ये कार्बन है सो थर्ड एटम, ये कार्बन थर्ड एटम, और थर्ड एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा फोर्थ एटम, यानी कि ये हाइड्रोजन फोर्थ एटम, ये भी फोर्थ एटम और ये भी हाइड्रोजन फोर्थ एटम हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम थर्ड एटम बताइए, फिर जब ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इसीलिए आपको पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म में इस तरह से एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं, आप देखिएगा डायरेक्ट बताइएगा, अभी आप सीख रहे हैं। अब यहां पर देखिए इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें फर्स्ट एटम क्या होगा तो कार्बन होगा, सेकेंड एटम क्या होगा तो ऑक्सीजन 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 होगा, जैसे आप देखे ना ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर में सेकेंड एटम ऑक्सीजन 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 हो गया। तो एक समय जब आप आएगा ना कि जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे तुरंत बता देंगे कि सर इसमें ऑक्सीजन 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 सेकेंड एटम होगा। अब इसको एक्सपेंड करते देखिए, अब यहां पे जब एक्सपेंड करेंगे तो कार्बन को पहले लिख दिए, अब इसके बाद ये ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड पहले डाल दिए, अब ये ऑक्सीजन फिर यहां पे है सिंगल बॉन्ड तो इसको भी दे दिए, और फिर यहां पे हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड है इसको भी दे दिए, क्या सही हो गया, नहीं। यहां पे ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन कहता है कि दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो दो ऑक्सीजन इसको नहीं काउंटिंग करेंगे, ये तो आपका सिंगल बॉन्ड वाला है, यानी कि दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा तो एक ऑक्सीजन तो ये हो गया, एक और देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन से बॉन्डेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन दो कार्बन से बॉन्डेड होगा, तो एक कार्बन देखिए ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। अब आप फर्स्ट एटम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहां पर देखिए बॉन्ड फ्री है तो इसको फर्स्ट एटम, इसको सेकेंड एटम, ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम, ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम। तो इसीलिए आपको बोले कि जब प्रैक्टिस होगा ना तो आप देख करके बता दीजिएगा कि फर्स्ट एटम कार्बन है, सेकेंड एटम ऑक्सीजन 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 है, थर्ड एटम यहां पर क्या हो गया, ये कार्बन थर्ड एटम, ये हाइड्रोजन थर्ड एटम कहलाएगा। और एग्जाम्पल आप देखिए, अब यहां पर देखिए ये फंक्शन ग्रुप क्या है, एमाइड है, ये फंक्शन ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझ में आ रहा बात, ये फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, ये फंक्शन ग्रुप क्या है, ईस्टर है। अब यहां पर ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड हो गया, अब इसको आपसे पूछा जाए कि अच्छा इसमें बताइए फर्स्ट एटम सेकेंड एटम थर्ड एटम, एक्सपेंड कीजिए, यहां पर कार्बन है तो कार्बन दे दिए, ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को आप सिंगल बॉन्ड से दिखा दीजिए, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है वो दिखा दिए, और नाइट्रोजन के साथ फिर एक कार्बन है और ये कार्बन तीन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो एक ऊपर दे दिए, एक नीचे दे दिए, एक इधर दे दिए, क्या हो गया, एक्सपेंड किया हुआ, नहीं। हम लोग अभी इसको एक्सपेंड ही नहीं किए, यहां पे जो डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, देखिए एक ऑक्सीजन एक ऊपर डाल दीजिए तो ये कार्बन क्या हो गया, दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो गया, फिर ये ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन और दे देंगे, अब एक्सपेंड हो गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन फर्स्ट एटम होगा, कौन सेकेंड एटम होगा, कौन थर्ड एटम होगा, तो जहां से बॉन्ड फ्री है उसको फर्स्ट एटम कहेंगे,
फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, यानी कि ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम, ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम, ये नाइट्रोजन सेकेंड एटम, सेकेंड एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है यानी कि ये हाइड्रोजन थर्ड एटम, ये कार्बन थर्ड एटम और ये कार्बन थर्ड एटम, और इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड ये तीनों हाइड्रोजन है, तो इसको फोर्थ एटम कहेंगे, इसको भी फोर्थ एटम कहेंगे और इसको फोर्थ एटम कहेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोग को? और एग्जांपल देखिए, अब यहां पर देखिए साइनाइड है, अब इसको आपसे कहा जाए कि फर्स्ट एटम सेकेंड एटम थर्ड एटम बताइए, तो सिंपल सा है, फर्स्ट एटम क्या हो गया कार्बन, सेकेंड एटम क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये कार्बन तीन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा। जैसे देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड दे दिए और फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन दे दिए, अब ये कार्बन कह रहा है कि तीन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो एक तो हो गया, एक ऊपर दे दीजिए एक नीचे दे दीजिए, ठीक उसी तरह से ये नाइट्रोजन क्या कहेगा, तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड, अब ये कार्बन, ये नाइट्रोजन क्या कह रहा है, अब ये नाइट्रोजन क्या कह रहा है कि तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो एक कार्बन तो आपका पहले से है, एक नीचे दे दीजिए एक इधर दे दीजिए, तो ये नाइट्रोजन अब क्या हो गया, तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें फर्स्ट एटम बताइए कौन सा है, तो यहां से देखिए बॉन्ड फ्री है तो इसको फर्स्ट एटम कहेंगे, फर्स्ट एटम का बगल वाला ये नाइट्रोजन आपका सेकेंड एटम, ये नाइट्रोजन सेकेंड एटम और ये नाइट्रोजन सेकेंड एटम। तो मेरा तो प्रैक्टिस है, इसीलिए पहले ही आपको बता दी कि देख करके ही आप लोग फिर आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इस तरह का जब रहेगा दिया हुआ तो आप तुरंत बता देंगे कि सर इसमें फर्स्ट एटम कार्बन है, सेकेंड एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है और थर्ड एटम क्या हो गया, ये कार्बन थर्ड एटम, ये कार्बन थर्ड एटम हो गया। समझ में आ गया सभी लोग को? चलिए इसको कंप्लीट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली सीक्वेंस रूल है क्या, तो हेडिंग डाल दीजिए सीक्वेंस रूल। अब सीक्वेंस रूल में रूल नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि दैट ग्रुप विल बी ऑफ हायर प्रायोरिटी इन विच फर्स्ट एटम इज ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ एटॉमिक वेट। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ग्रुप को हम लोग हायर प्रायोरिटी कहेंगे, उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा जिसका फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर है सो ज्यादा होगा। अब बोलिए कि सर ये ब्रैकेट में एटॉमिक वेट क्यों लिखे, ब्रैकेट में एटॉमिक वेट इसलिए लिखा गया है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तब आपको एटॉमिक वेट से देखना होगा। सबको ये बात सबको समझ में आ रहा है? आपको कह रहा है कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप देख लीजिए कि जिस फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब जैसे इतना सारा ग्रुप आपको दे दिया गया, अब आपसे पूछा गया कि अच्छा जी इसका प्रायोरिटी डिसाइड करके बताइए कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, किसका सेकेंड नंबर होगा, किसका थर्ड नंबर होगा, किसका सबसे कम होगा, तब आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है कि आप फर्स्ट एटम को लिखिए, बाद में क्या करना ना, ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं, आप देखिएगा तुरंत कर दीजिएगा, आप खुद देखिएगा, लेकिन अभी सीखना है, स्टार्टिंग में पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिस्टमेटिक सीखना है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट एटम निकालने जा रहे हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एटम क्या होगा, तो आप सब लोग देख करके बता देंगे कि बॉन्ड जो फ्री है कार्बन से है, तो कार्बन यहाँ पे फर्स्ट एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन फर्स्ट एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन फर्स्ट एटम, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। डी क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उसको क्या पढ़ते हैं, ड्यूटेरियम पढ़ते हैं। अब आप बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए, तो सारे में बता देख करके बताइए किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो जब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसका हो गया। ब्रोमीन के बाद एटॉमिक नंबर किसका होगा, तो क्लोरीन का, तो सेकंड प्रायोरिटी हो गया। अब देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब लोग को पता है इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका 8, यानी कि थर्ड प्रायोरिटी का अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का होगा फोर्थ नंबर और कार्बन का फिफ्थ नंबर। अब इधर आइए, इसमें आपका बच गया हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे,
तब यहाँ पे आपको बताया कि एटॉमिक नंबर से अगर डिसाइड नहीं होता है तब आप क्या कीजिए, एटॉमिक वेट से डिसाइड कीजिए। ड्यूटेरियम का है सो 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका प्रायोरिटी है सो 6 हो जाएगा और इसका प्रायोरिटी है सो 7 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो जहां पे आपको अगर फर्स्ट एटम से डिसाइड, फर्स्ट एटम में क्या आके देखना है कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। अब रूल नंबर सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। रूल नंबर सेकंड में कह रहा है कि इफ मोर देन वन ग्रुप्स हैव सेम फर्स्ट एटम, अगर एक से ज्यादा ग्रुप का फर्स्ट एटम सेम हो जाए, एक से ज्यादा ग्रुप का फर्स्ट एटम सेम हो जाए तब आपको क्या करना है, कह रहा है कि देन दैट ग्रुप विल बी ऑफ हायर प्रायोरिटी इन विच सेकेंड एटम्स आर ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। तब आपको सेकेंड एटम से डिसाइड करना है कि सेकेंड एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, सेकेंड एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। लेकिन सेकेंड एटम हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहां पर देखिए नोट करके एक लिख लीजिए, बहुत सारे बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं। जैसे सेकेंड एटम क्या होगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा ग्रुप पे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वहां पर एटॉमिक नंबर डिसाइड करने के लिए कहा जाता है तो सारे सेकेंड एटम का एटॉमिक नंबर का वो क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, जो कि गलत होगा। देखिए स्पष्ट यहां पे नोट में लिखा दिए करे कि एक ग्रुप कैन हैव मोर देन वन सेकेंड एटम, किसी ग्रुप में एक से ज्यादा अगर सेकेंड एटम्स है तब आपको क्या करना है, कहता है कि इन दैट केस सम ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ ऑल सेकेंड एटम्स आर नॉट कंसीडर, नॉट कंसीडर। जब आपका किसी ग्रुप में एक से ज्यादा सेकेंड एटम है तब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। आपको सारे सेकेंड एटम का एटॉमिक नंबर का सम नहीं निकालना है, ठीक है, आर नॉट कंसीडर। तो कैसे करना है, कहता है रेदर दैट ग्रुप विल बी ऑफ हायर प्रायोरिटी इन विच एट लीस्ट वन सेकेंड एटम इज ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। आपको कैसे डिसाइड करना है, तो कह रहे हैं कि एक से ज्यादा जब आपका सेकेंड एटम है तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, जिसमें कोई एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, कोई एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। जैसे इसको एग्जांपल से ही देख लेते हैं। अब यहां पर आपको CH2Br आ गया और यहां पे CCl3 आ गया। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि बताइए इसमें किसको प्रायोरिटी एक दीजिएगा और किसको दो दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसमें फर्स्ट एटम निकालेंगे। फर्स्ट एटम तो आपको दिख रहा है दोनों में कार्बन है, तो इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है। फिर हम लोग सेकेंड एटम निकालेंगे, तो सेकेंड एटम है सो यहां पे क्या हो गया, ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका सेकेंड एटम हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें सेकेंड एटम क्या हो गया, तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये आपका इसमें सेकेंड एटम हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कोई एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो आप यहीं पे देखिए ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है, इसमें तो तीनों क्लोरीन है बट इसमें एक ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन के एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है। तो आपको क्या कह रहा है कि कोई एक भी एटम सेकेंड एटम में कोई एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा, तो यहाँ पे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा, यानी कि हम कहेंगे कि CH2Br का प्रायोरिटी फर्स्ट हो गया और CCl3 का सेकेंड हो गया। कॉपी पे नोट करने में ध्यान रखिएगा, सेकेंड एटम जो है ना फर्स्ट एटम के नीचे लिखिएगा, यहाँ पे नीचे में जगह नहीं था इसीलिए बगल में लिख दिए। आप है सो जब भी नोट कीजिए कॉपी में, तो नीचे में फर्स्ट आइटम के नीचे सेकेंड आइटम लिखिए और इस तरह से बनाना है। यहां तक कंप्लीट कीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब एग्जांपल ये दे दिया गया, अब आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए इसमें प्रायोरिटी क्या होगा, कौन सा ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, कौन सा ग्रुप का प्रायोरिटी कम होगा। तो देखिए आपका जब प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा ना, तो आप डायरेक्ट आप फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करके करना पड़ेगा, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा।
इसीलिए मतलब रिक्वेस्ट यही है कि आप घर में इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ जी फर्स्ट आइटम बताइए, तो फर्स्ट आइटम तो सब लोग बता देंगे ना कि ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। लेकिन सेकेंड आइटम में बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, तो अभी आपको सिखाना है, इसलिए फिर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक्सपैंड करके पहले लिखते हैं। एक्सपैंड करने के लिए कैसे बताए थे, तो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन को लिख दिए। फिर क्या बोले थे कि इस कार्बन के साथ जो सिग्मा स्केलेटन यानी कि सिग्मा बॉन्ड है उसको लिख दिए, और फिर इस कार्बन के साथ है सो दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर दे दिए, एक इधर दे दिए। क्या एक्सपैंड हो गया? नहीं। आपको क्या बताए थे कि दो एटम के बीच में जब पाई बॉन्ड है, इसका मतलब यह हुआ कि ये कार्बन इसके अलावे ये क्या बोलता है कि दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होना चाहिए, तो ये कार्बन एक कार्बन से तो बॉन्डेड हुआ, दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है क्या? नहीं। तो एक कार्बन अब नीचे लिख देंगे। ठीक उसी तरह से ये भी तो कार्बन कह रहा है कि अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होना चाहिए, तो ये कार्बन देखिए एक अदर कार्बन एटम से तो बॉन्डेड है, लेकिन एक और अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, तब ये हुआ वन और टू, ये दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड हो गए। जैसे ही आप एक्सपेंड कर लिए, तो आपको बता चुके हैं कौन सा फर्स्ट एटम होगा, कौन सेकेंड एटम, जहां से बॉन्ड फ्री होता है उसको फर्स्ट एटम कहते हैं, फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड है वो सेकेंड एटम, यानी कि ये हाइड्रोजन सेकेंड एटम, ये कार्बन सेकेंड एटम, ये कार्बन सेकेंड एटम, और सेकेंड एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको थर्ड एटम, तो ये थर्ड एटम, ये कार्बन थर्ड एटम और ये हाइड्रोजन थर्ड एटम। ठीक उसी तरह से इसको एक्सपैंड कीजिए, इसमें तो सारा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए देख करके बिना एक्सपैंड किए कि फर्स्ट एटम क्या होगा तो कार्बन, सेकेंड एटम क्या होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, थर्ड एटम क्या होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये तभी आप बोल पाएंगे जब आपका प्रैक्टिस किया हुआ। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपैंड करेंगे तो ये कार्बन को लिख दिए, इसके साथ दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, एक ऊपर दे दिए एक नीचे दे दिए, इसके साथ फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड से है और इसके साथ तीन हाइड्रोजन है, तो यहां पर है सो तीन हाइड्रोजन दे दिए। अब फर्स्ट एटम सेकेंड एटम डिसाइड कीजिए, ये फर्स्ट एटम हो गया, ये हाइड्रोजन सेकेंड, ये हाइड्रोजन सेकेंड, ये कार्बन सेकेंड और ये हाइड्रोजन थर्ड, ये हाइड्रोजन थर्ड और ये हाइड्रोजन थर्ड। इसको एक्सपैंड कीजिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी आपको बताए भी थे, तो यहां पर क्या हुआ सिग्मा स्केलेटन को पहले लिखिए, ये कार्बन है सो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इसको पहले बॉन्डेड किए, फिर यहां पर ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और फिर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। क्या एक्सपैंड हो गया? नहीं हुआ। अब ये कार्बन क्या बोलता है कि दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, पहले भी आपको बता चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि ये दो ऑक्सीजन से तो हो गया सर, नहीं। यहां पर जो ये ऑक्सीजन है ये वाली, ये तो जो पहले से वो है और ये डबल बॉन्ड है, इसके चलते ये कार्बन कहता है दो ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऊपर देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से ये ऑक्सीजन भी तो कहेगा कि दो कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो एक कार्बन के साथ तो ये बॉन्डेड हो गया, एक और कार्बन देंगे। अब यहां पे ये हो गया फर्स्ट एटम, ये ऑक्सीजन सेकेंड, ये ऑक्सीजन सेकेंड, ये ऑक्सीजन सेकेंड, और थर्ड एटम कौन सा हो गया, तो ये कार्बन थर्ड एटम, ये हाइड्रोजन थर्ड एटम। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे बिना एक्सपैंड किए, और आप आगे जब आइसोमेरिज्म में यूज करेंगे तो ये सब नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमाइड, फंक्शनल ग्रुप भी जानना है। अब इसको एक्सपैंड कीजिए, तो पहले सिग्मा स्केलेटन को लिख दीजिए, सिग्मा स्केलेटन का मतलब सिग्मा बॉन्ड को लिख दीजिए, तो यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ फिर क्या है ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या है नाइट्रोजन है, फिर दो हाइड्रोजन है, तो एक ऊपर दे दिए एक इधर दे दिए, सिग्मा स्केलेटन लिखाएंगे। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन क्या बोल रहा है कि दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो एक ऑक्सीजन तो ये हुआ, एक ऊपर दे दिए। फिर उसी तरह से ये ऑक्सीजन क्या बोल रहा है कि दो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन और दे दिए। अब आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए इसमें कौन सा फर्स्ट एटम है, कौन सेकेंड एटम है, तो ये फर्स्ट एटम हो जाएगा, ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम होगा, ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम होगा, ये नाइट्रोजन सेकेंड एटम होगा, और इससे जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो थर्ड एटम, ये भी कार्बन है सो थर्ड एटम, और ये हाइड्रोजन थर्ड एटम हो गया। ठीक उसी तरह से अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ये इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लोरीन लगा हुआ है तो एसिड क्लोराइड पढ़ते हैं या एसाइल क्लोराइड पढ़ेंगे।
हैलोजन कोई भी रहता तो उसको बताए थे एसिड हेलाइड पढ़ते हैं या एसाइल हेलाइड पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो सिग्मा स्केल्टन को पहले लिखिए, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके साथ क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये कार्बन कह रहा है कि दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो यहाँ पर एक हो गया, एक ऊपर दे दिए। फिर ये ऑक्सीजन कहेगा कि दो कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो यहाँ पर एक कार्बन हो गया, एक कार्बन ये हो गया। अब फर्स्ट एटम किसको कहेंगे, तो ये आपका फर्स्ट एटम हो गया, ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम, ये ऑक्सीजन सेकेंड एटम, ये क्लोरीन सेकेंड एटम, और ये कार्बन है सो आपका थर्ड एटम हो जाएगा। अब आपको जब एक्सपेंड कर लिए तब तो आपको दिख रहा है। अब इसमें हम आपसे पूछें कि अच्छा जी बताइए फर्स्ट एटम क्या होगा, तो फर्स्ट एटम इसमें कार्बन है, इसमें फर्स्ट एटम कार्बन है, इसमें फर्स्ट एटम कार्बन है, इसमें फर्स्ट एटम कार्बन है, और इसमें फर्स्ट एटम कार्बन है। आपको क्या बोला गया था कि एक से ज्यादा ग्रुप में अगर फर्स्ट एटम सेम आ जाए, इसमें तो सारे में फर्स्ट एटम सेम आ गया, तब आप क्या कीजिए सेकेंड एटम निकालिए। तो सेकेंड आइटम जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन आ गया, ये सेकेंड आइटम आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड आइटम क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका सेकेंड आइटम हो गया। यहां पर देखिए सेकेंड आइटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पर ये सेकेंड आइटम हो गया। यहां पर देखिए सेकेंड आइटम क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये आपका सेकेंड आइटम हो गया। ठीक उसी तरह से यहां पे सेकेंड आइटम क्या हो गया, क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आपका सेकेंड आइटम हो गया। आपको क्या बताए थे कि सेकेंड आइटम का एटॉमिक नंबर का सम नहीं निकालना है, आपको कंपेयर करना है कि कोई एक भी एटम का जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। अब सेकेंड एटम में देखिए तो सेकेंड एटम में यहां पर एक क्लोरीन आ गया, कहीं क्लोरीन है या क्लोरीन से ज्यादा कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन होने के चलते इसका प्रायोरिटी अब वन हो गया, तो इसको हम लोग प्रायोरिटी नंबर वन देंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर तीनों एटम ऑक्सीजन हो गया, इधर तो कार्बन हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो आप ऐसे कंपेयर कीजिए। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर यहां पे करेंगे कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, नहीं तो कंपेयर होगा ही नहीं, तो बचा यही ना कंपेयर। तो इसमें आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर ज्यादा, नाइट्रोजन का कम, यानी कि अगर हम प्रायोरिटी का बात करें तो सेकेंड नंबर है सो इसका हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका हो जाएगा। अब ये दोनों में कंपेयर करना है कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा और किसका प्रायोरिटी है सो कम, तो देखिए कार्बन से कार्बन खत्म, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन खत्म, अब कंपेयर किस में होगा, कार्बन और हाइड्रोजन में, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा हाइड्रोजन का कम, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा और इसका प्रायोरिटी कम होगा, यानी कि इसका प्रायोरिटी हो गया 4 और इसका प्रायोरिटी हो गया 4 और इसका प्रायोरिटी हो गया 5। तो कैसे प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं ये सब लोग को समझ में आ रहा है। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया कि इसका प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि कैसे करेंगे, तो अभी आपको फिर बार बार वो एक ही बात हम बोल रहे हैं कि सीखना है तो पहले आप एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, और उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप देखिएगा, डायरेक्ट बताइएगा। अब इसमें देखिए, इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करना, तो देखिए फर्स्ट आइटम सब कार्बन ही है, तो पहले अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट आइटम से तो डिसाइड होगा नहीं, सेकेंड आइटम चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो सिग्मा स्केल्टन को बताया कि पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ फिर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके साथ फिर कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो सिग्मा स्केल्टन को पहले लिख दिया। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हुआ कि ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। हम बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं, इसको हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे दूसरा वाला में, क्यों, क्योंकि यहां पर ये ऑक्सीजन है, वो वाली ऑक्सीजन है, तो इसके लिए दूसरा जो ऑक्सीजन होगा ये ऊपर में हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक उसी तरह से ये ऑक्सीजन कितना कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, दो कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, तो एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन और दे दिए। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर
ये कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ लिख सकते हैं, आप एकदम लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि नीचे में ऑक्सीजन है तो हाँ जी ये ओरिजिनल वाला ऑक्सीजन है तो उसी के साथ जोड़ देते हैं। आप इस कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ भी जोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये फर्स्ट एटम हो गया, ये ऑक्सीजन सेकेंड, ये ऑक्सीजन सेकेंड, ये ऑक्सीजन सेकेंड, ये कार्बन है सो थर्ड, ये कार्बन है सो थर्ड, और थर्ड के बाद जो है वो फोर्थ 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 हो गया। इसको एक्सपैंड कीजिए तो सिग्मा स्केलेटन को पहले लिख दी, इसके साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन कहता है कि मेरे अलावे तीन अदर कार्बन एटम से हम बॉन्डेड है। इसका मतलब एक कार्बन तो हो गया, दो और देंगे तो एक ऊपर दे दीजिए एक नीचे दे दीजिए। ठीक उसी तरह से ये भी तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, तो ये भी तो कार्बन कहता है कि मेरे अलावे है सो हम क्या है तीन अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो देखिए मेरे को छोड़ करके तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ तो बॉन्डेड हो गया, दो और चाहिए तो एक ऊपर दे दिए एक नीचे दे दिए। अब आपसे पूछा जाए कि ये कार्बन कैसा एटम, तो फर्स्ट एटम, इस ये कार्बन सेकेंड एटम, ये कार्बन सेकेंड एटम, ये कार्बन सेकेंड एटम, ये कार्बन थर्ड एटम, ये कार्बन थर्ड एटम, और ये हाइड्रोजन थर्ड एटम। ठीक उसी तरह से यहां पे साइनाइड है, तो साइनाइड में भी क्या होगा, पहले सिग्मा स्केलेटन को लिख दिए, फिर यहां पे कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन तीन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो एक तो हो गया, दो बचा हुआ, तो एक ऊपर दे दिए एक नीचे दे दिए। ये नाइट्रोजन भी कहता है कि तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो एक कार्बन तो यहां पे हो गया, एक कार्बन है सो नीचे दे दिए, एक कार्बन इधर दे दिए। अब फर्स्ट एटम कौन सा होगा, तो ये फर्स्ट एटम हो गया, ये नाइट्रोजन सेकेंड एटम, ये नाइट्रोजन सेकेंड एटम, ये नाइट्रोजन सेकेंड एटम, और सेकेंड एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है ये कार्बन, तो ये आपका है सो थर्ड एटम, ये थर्ड एटम हो गया। ठीक उसी तरह से अब इसको एक्सपैंड जब आप कीजिएगा तो सिग्मा स्केलेटन को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर इसके साथ दो हाइड्रोजन, तो एक ऊपर दे देते हैं किधर दे देते हैं। क्या कंप्लीट हो गया एक्सपैंड किया हुआ, नहीं। ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन दो अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो एक तो ये हो गया, एक और नीचे दे दिए। ठीक उसी तरह से ये कार्बन भी तो कह रहा है कि हम अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो एक तो ये हो गया, एक नीचे दे दिए। अब यहां पर ये कार्बन फर्स्ट एटम, ये हाइड्रोजन सेकेंड, ये कार्बन सेकेंड, ये कार्बन सेकेंड, ये हाइड्रोजन थर्ड, ये कार्बन थर्ड, और ये हाइड्रोजन थर्ड। अब तो आप एक्सपेंड कर लिए, अब तो आप फर्स्ट एटम सेकेंड एटम सब डिसाइड कर सकते हैं। तब यहां पे फर्स्ट एटम क्या हो गया, कार्बन 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 कार्बन, सब में देखिए फर्स्ट एटम कार्बन, तब फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सेकेंड एटम से डिसाइड करेंगे। यहां पे सेकेंड एटम देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आपका सेकेंड एटम हो गया। यहां पर सेकेंड एटम कार्बन 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 कार्बन, तो ये सेकेंड एटम हो गया। यहाँ पे सेकेंड एटम क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपका सेकेंड एटम होगी। यहाँ पे सेकेंड एटम क्या है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड एटम हो गया। अब आप कंपेयर कीजिए, बताइए सेकेंड एटम में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, किसी एक भी एटम का आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो किसका एटोमिक नंबर ज्यादा होता है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका प्रायोरिटी है सो ज्यादा होगा, यानी कि एक नंबर उसका होगा। अब ये दोनों में डिसाइड करेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो सेकेंड नंबर पर प्रायोरिटी है सो साइनाइड का हो गया, थर्ड नंबर है सो प्रायोरिटी इसका हो गया, और फोर्थ नंबर है सो इसका हो गया। तो कैसे डिसाइड हो रहा है ये सभी लोग को समझ में आ गया। अब कोई बच्चा के दिमाग में ये सवाल तो आ रहा होगा कि सर अगर सेकेंड एटम भी सेम हो जाए तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है, थर्ड एटम निकाल देना है। समझ में आ रही बात, इसको कंप्लीट कीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर सेकेंड एटम भी सेम आ जाता, जैसे इसका ऑक्सीजन 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 आया, इसका भी आ जाता ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तब आप कैसे डिसाइड करते, तो थर्ड एटम से डिसाइड कर लेते। यानी कि रूल नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि इफ सेकेंड एटम्स आर ऑल्सो सेम, सेकेंड एटम भी सेम हो जाए तब कहता है कि देन अप्लाई रूल नंबर टू ऑन थर्ड एटम।
जो रूल नंबर टू है वही अप्लाई क्या कर देना है, थर्ड एटम पे अप्लाई कर देना है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये सब कंपाउंड दिया हुआ है, ये सब ग्रुप दिया हुआ है, और आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड ही करेंगे, जल्दीबाजी अभी नहीं करना है। जल्दीबाजी हम लोग कहाँ करेंगे, आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तब वहां करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको पहले एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो अभी आपको बताया, पहले सिग्मा स्केलेटन को लिख दीजिए, तो ये कार्बन, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन तीन अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो एक तो कार्बन ये हो गया, अब दो और देंगे तो एक ऊपर दे दिए, एक नीचे दे दिए। ठीक उसी तरह से ये भी तो कार्बन कह रहा है कि हम अपने अलावे तीन अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड हैं, तो एक तो कार्बन ये हो गया, एक फिर ऊपर दे दिए, एक नीचे दे दिए, तो ये भी तीन अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड हो गया। अब प्रायोरिटी जब डिसाइड कीजिएगा, तो ये वन हो गया, ये कार्बन टू, ये कार्बन टू, ये कार्बन टू, ये कार्बन थर्ड, ये कार्बन थर्ड, और ये हाइड्रोजन थर्ड। यहां पर निकालिए, तो यहां पर देखिए फिर CH3H2 है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये सिंगल बॉन्ड दे दिया, फिर इसके साथ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दे दिया, और इस कार्बन के साथ दो कार्बन है, तो एक नीचे डाल देते हैं, और यह कार्बन भी तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, और ये कार्बन भी तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, ये एक्सपैंड हुआ। अब यहां पर एक नंबर इसको देंगे, दो नंबर ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, तीन नंबर किसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, तीन नंबर यहां पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक उसी तरह से इसको जब आप एक्सपैंड कीजिएगा, तो सिग्मा स्केलेटन को पहले लिख दीजिए, यहां पर एक ऑक्सीजन है, फिर ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, इसको काउंटिंग नहीं करना है, बार बार बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर ये अलग से है, तो एक ऑक्सीजन ऊपर देते हैं, फिर ये ऑक्सीजन क्या कहता है कि दो कार्बन के साथ हम बॉन्डेड हैं, तो एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन नीचे दे दिए। अब ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये ऑक्सीजन सेकेंड, ये ऑक्सीजन सेकेंड, और ये ऑक्सीजन सेकेंड, फिर ये क्या हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये थर्ड हो गया। इसको आप एक्सपेंड कीजिए, फिर यहाँ पे सिग्मा स्केलेटन को आप पहले लिख दीजिए, इसके साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ फिर एक ऑक्सीजन, इसके साथ C2H5 है, C2H5 का मतलब CH2CH3, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, सिग्मा स्केलेटन को ही लिख देते हैं, इसके साथ दो हाइड्रोजन, और फिर इसके साथ एक कार्बन, और इसके साथ है सो तीन हाइड्रोजन हो गया। क्या एक्सपैंड हो गया, नहीं, ये डबल बॉन्ड वाला को अभी कहाँ किए, तो यहां पर ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, तो एक ऑक्सीजन तो हो गया, एक ऊपर डाल दिए, और ये ऑक्सीजन भी दो कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, तो एक तो यहां पर दे दिए, एक यहां पे दे दिए। अब फर्स्ट नंबर ये हो गया, ये सेकेंड, 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 फिर ये थर्ड, ये भी आपका थर्ड, फिर ये आपका फोर्थ, ये फोर्थ, ये फोर्थ हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा फिफ्थ, ये भी फिफ्थ, और ये भी फिफ्थ, तो फिफ्थ तक निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब यहां पर देखिए फर्स्ट एटम, तो फर्स्ट एटम तो आपको दूर से ही दिख रहा है, कार्बन 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 सब में है। सेकेंड एटम डिसाइड करते हैं, तो सेकेंड एटम में कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपका सेकेंड एटम हो गया। यहां पे सेकेंड एटम क्या है, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये आपका सेकेंड एटम है। यहां पर सेकेंड एटम क्या है, तो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये आपका है सो सेकेंड एटम हो गया। यहां पर सेकेंड एटम क्या है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आपका सेकेंड एटम है। अब देखिए प्रायोरिटी जब डिसाइड करना के लिए कहा जाता, तो इतना तो सब लोग को समझ में आ गया कि ये दोनों का प्रायोरिटी कम होगा ये दोनों से, ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। अब सवाल है कि ये दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, सेकेंड एटम से तो डिसाइड नहीं होना है, क्योंकि दोनों का सेकेंड एटम सेम आ गया, तब हम लोग करेंगे थर्ड एटम। अब यहां पे जब ये दोनों का थर्ड एटम, इसका हमको थर्ड एटम निकालने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसका जब आप थर्ड एटम निकालेंगे, तो क्योंकि ये दोनों में तो आपको दिख रहा है ना, आप बोलिए कि क्यों थर्ड एटम नहीं निकालेंगे, तो थर्ड एटम इसलिए नहीं निकालेंगे कि ये दोनों में आपको दिख रहा है, कार्बन से कार्बन खत्म, कार्बन से कार्बन खत्म, कंपेयर कार्बन और हाइड्रोजन में, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा, इसका प्रायोरिटी है सो कम,
समझ में आ रहा, यानी किसका प्रायोरिटी है सो थ्री होगा, इसका प्रायोरिटी फोर हो जाएगा, तो इसका थर्ड एटम का जरूरत नहीं, तो थर्ड एटम हम क्यों लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे थर्ड एटम आपको लिखना पड़ेगा, तो इसका थर्ड एटम क्या हो गया, थर्ड एटम कार्बन और हाइड्रोजन है, नहीं तो ये थर्ड एटम हो गया। इसका थर्ड एटम क्या है, तो देखिए थर्ड एटम यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन, ये थर्ड एटम हो गया। अब बताइए कि ये दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा, तो यहां पर देखिए फिर कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर जब करेंगे तो ये कार्बन से कार्बन खत्म, तो बच गया कौन, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसका प्रायोरिटी है सो ज्यादा, यानी कि एक नंबर इसका हो गया, दो नंबर इसका हो गया, तीन नंबर इसका हो गया और चार नंबर इसका हो गया। कैसे डिसाइड कर रहे हैं ये सब लोग को समझ में आया, चलिए यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए, यहां तक हो गया। चलिए इसी से रिलेटेड ना हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे यहां पे आपको क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कैन इनगोल्ड प्रेलॉग सीक्वेंस रूल्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द गिवन ग्रुप, बताइए कैन इनगोल्ड प्रेलॉग सीक्वेंस रूल से इसमें जो प्रायोरिटी है किसका सही होगा, किसका कौन सा मतलब इसमें सही है। आप ऐसे अब समझिए, आपको दे दिया कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको कौन दे दिया तो CH2OH, और आपको क्या दे दिया OH, और आपको क्या दे दिया एल्डिहाइड, ठीक है। इतना सारा प्रैक्टिस किए होंगे तो मेरे बात समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या है आप बताओ, यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या है कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रायोरिटी तो इसका हो गया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा। बात सबको समझ में आ रहा है, तो अब देखिए ये दोनों चॉइस में से कोई एक होगा, और आगे बढ़ते हैं सेकेंड, अब फर्स्ट एटम से तो डिसाइड होगा नहीं, तो अब हम लोग क्या देखेंगे सेकेंड एटम। सेकेंड एटम में याद कीजिए ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां पे सेकेंड एटम क्या हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे सेकेंड एटम इसका जरूरत नहीं है, और यहाँ पे सेकेंड एटम हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए इसमें तीनों ऑक्सीजन है और इसमें दो ऑक्सीजन है, यानी कि दो नंबर जो प्रायोरिटी हो गया इसका हो गया, तीन नंबर प्रायोरिटी है सो इसका हो गया, और चार नंबर प्रायोरिटी इसका हो गया। अब देखिए तो ऑप्शन कौन सा है, OH सबसे ज्यादा यहाँ पे हो गया, दो नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि है, थर्ड नंबर में आपका एल्डिहाइड जो कि है, और फोर्थ नंबर में ये ग्रुप हो गया। तो कैसे डिसाइड करते हैं ये समझ में आया, तो ये जब आप जानिएगा फर्स्ट एटम सेकेंड एटम थर्ड एटम निकालने के लिए, तभी तो आप कर पाएंगे। यानी कि अगर आपसे इसमें हम पूछें कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे डी, इसका आंसर क्या हो गया डी। तो कैन इनगोल्ड प्रेलॉग सीक्वेंस रूल का यूज है सो हम लोग आइसोमेरिज्म में करेंगे, और ये भी आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद कुछ है नहीं, अब सीधा आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।